नींद दिया क्या क्या पेड़ा दिस मैं इसको बेचारे जानती हूँ थी इसकी चामा नहीं बोलती इसको बहुत दुख दिया क्या दुख दिया ये बताओ पूरी ईमानदारी से बताओ क्या दुख दिया इसको क्या दुख दिया क्या क्या दिया इसको बच्चे को मारने की कोशिश की अच्छा इसके बच्चे को मारने की कोशिश किया ये बच्चा नहीं मार नहीं पाई कैसे तू मर गई थी जिंदा है तू क्या नाम है तेरा नाम माना क्या नाम है सर नेहा नहीं बोलते क्या बोल रही है नेहा नहीं बोलते बोल रहे हैं कौन है तुम इसकी इस औरत की तुम कौन है मैं इस औरत की कोई नहीं नाम नाम माना तुम लोग फिर इसके बच्चे को क्यों मारना चाह रही थी इसकी जामा आई थी मेरे पास मेरी मौसी गई थी अच्छा मौसी का क्या नाम था जो तेरे पास गई थी हाँ लक्ष्मी हाँ कितने साल पहले शादी करने के बाद शादी करने के बाद क्या बोली इसकी चाची मौसी मौसी क्या बोली इसकी मौसी बोली इस दोनों को अलग कर दो अच्छा इन दोनों को अलग कर दो उससे फायदा क्या होता इससे मैं अपनी लड़की अच्छा तू अपनी लड़की की शादी इससे कराती इसकी संपत्ति अच्छा इसकी संपत्ति क्या संपत्ति किस संपत्ति इसका घर और इसको घर कितना पैसा दिया तुमको ये तंत्र मंत्र करने का कितने पैसा दिया इसको करके किसने खिलाया इस औरत को करके किसने खिलाया किसने खिलाया कौन खिलाया मेरा मौसी खिलाया तेरा मौसी किस चीज में करके खिलाया पूछो किस चीज में खिलाया पुष्टि करने वाला क्या बोला कॉफी बोला पुष्टि कर जो यहाँ करने वाला वो बोला कॉफी और ये बोलता है कि चाय तो चाय और कॉफी में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं होता है चलो ठीक है कितने साल पहले करके खिलाया इसको शादी थोड़ी दिन कई साल हुआ हमको क्या मालूम शादी कब हुआ कई साल पहले खिलाया कति साल पहले कॉफी में साढ़े तीन साल पहले कॉफी आज भी इसके पेट के अंदर है यहाँ से जड़ी बूटी इशू हुआ है वो फिर खाएगी तो कॉफी या चाय जो भी हो वो निकलेगा और अब साथी कुछ तुमको बातचीत करना है इस औरत के घर से तुम कितनी दूरी पर रहती हो कितनी दूरी मतलब पासी में तुम्हारा पति जिंदा है कि मर गया जिंदा है क्या नाम है उसका कैसे पति है तुम्हारे क्या नाम है उसका नाम क्या है नाम नाम पति का नाम बहुत से पति है तो नाम याद नहीं आएगा एक ही है तो नाम बताओ उसका कितने पति है तुम्हारा पति कितना है नाम क्या है उसका नाम माना नाम क्या नाम है क्या नाम है तुम्हारे पति का तुम्हारे पति का नाम क्या है राजन राजे क्या काम करता है काम क्या करता है तुम्हारा पति क्या बेलदारी बेलदारी क्या होता है वही लेबर अच्छा लेबर है ये तंत्र मंत्र तुम कितने साल से सबको कर रही हो कितने साल से तुम कर रही हो बहुत साल हो गया तुम्हारा बच्चा कितना है लड़की है सब टोटल कितनी एक लड़की है हाँ? एक लड़की है तुम्हारी काठमांडू में रहती है और लड़का कितना लड़का कहे है कितना कैट है ड्राइवर है कैट है लड़का है तुम्हारा कितना लड़का है दो लड़का है अब समझ सकते हो जानते हो उसको ये तंत्र मंत्र तुम कितने साल से कर रही हो बहुत साल कितना 10 साल 20 साल 50 साल कितना साल 30 साल से अच्छा काम नहीं करती हूँ बुरा काम करती हूँ तुम भी भोग भोग के मरोगी भोग भोग के तुम भी मरी होगी तुम्हारा लड़की लड़का भी मरेगा अच्छा काम करना चाहिए तुम गलत काम कर रही हो किसी की जिंदगी पर बात कर रही हो कई रुपया तुमको उसने दिया था बस वो आई है बोली तुमने कर दिया
अभी वो मरने के लिए बोलेगी तो मरेगा तुम। कितना उम्र है तेरा? उम्र कितना है? उम्र तू इस समय कितने साल की है? 70 के तक पहुंच गई है। कपड़ा क्या पहनी है तू? साड़ी किस रंग का पहना है? लाल। लाल रंग का वो साड़ी पहना जिसकी आत्मा यहाँ पर हम लोग बुलाया है, जो तंत्र मंत्र कर रही है वो उसकी आत्मा जिंदा यहाँ तुम्हारी बीबी के ऊपर आई है। वो लाल साड़ी पहनी है तुम्हारी औरत, ये काला पैंट पहनी है और ये कंजी पहनी है। मलय वाले का रखी लाया मलय है पति वर्षा गाड़ी मेरे को पानी में खिलाया। यही यही खिलाई है? कौन खिलाया पूछो, उसका पूछो। कौन खिलाया मलय? पति वर्षा गाड़ी दो वर्ष हाँ अनि म माथि आउने चाहिँ को हो? हाँ को हाँ जोडले जोडले बोल्ने को हो? पितृ हो। तिनीहरू सच्चा छन्? हाँ सच्चा छन्। हाँ वो मेरे ऊपर भी आए थे अचानक, वो पानी खा नहीं करता, मेरे को बहुत तकलीफ हुआ, आए थे तो बिगार मतलब किसने किया बोले तो मौसी बोला था, मौसी बोले तो मैं मन से पूछ रहा था तो मौसी ने बोला था हाँ दो साल बोला, कितने साल पहले बोला था ऐसे इशारा करके बोला था, बोला और ये अभी पर भी यहाँ पर भी यही बोल रहा है। हाँ ये तो मालूम नहीं था लेकिन मेरे ऊपर जो था मैं बोला तुम झूठे हो मगर सच था। तुम कितना पढ़ा लिखा है? पति पढ़े लिखे सब पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी होती तो मैं साइन करा था, तुम्हारा बीवी तो साइन कर सकता है पढ़ा लिखा है, मगर वो अनपढ़ है इसलिए साइन नहीं करा सकता हूँ। और क्या क्या दुखा दिया? बर्बाद घर छोड़ने अब तक कितने को मौत की घाट उतारा होगा तू? कतिला मारे वाली सब मतलब बना ईमानदारी का सर बाबा दादा ने झूठ ना बोला है। अब तक तू कितने को मौत की घाट उतारा होगा? एकदम जल्दी बोल। कल नहीं 12-13 को 12-13 नेपाल में ही। नेपाल में कहाँ रहती है तू? नारी घाट ना नारायण घाट सुनौली से 200 तू भी सड़ सड़ के मरेगी। तू दूसरे का नुकसान कर रही है, दूसरे की क्रियाक्रम करके मौत दे दे रही है। बोले को घर में इसके घर बिकने नहीं दिया। मेरा वो जमीन में बोला था ना आपको बिकने नहीं दिया। अब किसी काम की नहीं रहेगी। अब किसी को कर भी नहीं पाएगी। इसको मैंने इतना कोई बात नहीं, अब इसका हम तंत्र मंत्र पूरा खत्म कर देते हैं, किसी काम की नहीं रहेगी। अब मैं तुझे ऊपर भेजने जा रहा हूँ, तू तैयार हो जा। और कोई काम की बात तो पूछना नहीं है, बस अभी जो है मेरा संकट आपका आशीर्वाद मिल जाए। ठीक, अब इसकी तंत्र मंत्र जितना था सब उड़ा दिया, ये बेहोश। अभी ये फिर होश में आएगी तो फिर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। कहाँ से आ रहे हो साथी आप? नेपाल। हाँ जी। यहाँ का पैसा कैसे, पता कैसे मिला? पता वही इंटरनेट से। हाँ, इंटरनेट से मिला, 3 महीने पहले आए थे। 3 महीने पहले आए थे तो कुछ फायदा हुआ आपका या नहीं? हाँ, वो 90% हो गया। इसके ऊपर 7 भूत थे, वो तुरंत खत्म कर दिए। कोई मरा हुआ था वो ऊपर डाल दिया था तो उसी टाइम खत्म हो गया। उस टाइम से मतलब यहाँ आने से पहले सुबह दोपहर शाम को हर वक्त कहीं भी गिर जाती थी, ढलती थी। अब नहीं गिरती? हाँ, मेरे से फाइट भी करती थी। अब बहुत जाने के बाद यहाँ से जाने के बाद ठीक होने गई कुछ? तुरंत इसके ऊपर तुरंत ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद में मेरे ऊपर तो था ही, कुछ दिन में निकला था, लेकिन आपका जो पानी दिया था वो पानी से बहुत हेल्प मिला। पानी इसीलिए दम किया हुआ दिया जाता है,
कि किस भी पानी एक बार ले जाओ सदा जीवन भर चलता है, जिसको भी दोगे पूरे नेपाल को पिला दोगे तो पूरे नेपाल का फायदा हो जाएगा, राहत मिल जाएगी, इसीलिए पानी दिया जाता है। एक बार मिलेगा जीवन भर चलेगा, किसी के काम आएगा, जितना आप पानी पियो उसमें पानी वापस मिला दो। तो नेपाल के भाषा में नेपालियों को क्या बताना चाहोगे, फायदा हुआ नहीं हुआ अपने भाषा में बताओ। म त यही चाहन्छु कि म यहाँ आएँ, मेरो जिन्दगी सुक्रियो। अब म जुन सङ्कटमा फसिरहेको थिएँ, बाबाले 3 महिना अगाडि मेरो भिडियो युट्युबमा हालेर चाहिँ धेरै युकेदेखि काठमाडौँदेखि हङकङदेखि विभिन्न देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कलहरू आयो, अस्ट्रेलियादेखि पनि, र मैले उनीहरूलाई त्यही सुझाव दिएँ कि बाबाकोमा जानु प्रत्यक्ष, होइन लाइभ गएर चाहिँ भेट्नुहोस्, प्रत्यक्ष रूपमा फेस टु फेस गर्नुहोस्, पक्का 100% ग्यारेन्टी छ र ग्यारेन्टीका साथ उपचार हुन्छ। राजघाट पुल है ये, बनारस में ये पड़ता है, ये नीचे उतरते ये जिला चंदौली में आ जाएगा, राजघाट बनारस में है, नीचे उतरते साथ ये पड़ाव आ जाएगा, पड़ाव चौराहे से दाहिने साइड रामनगर वाली रोड पे आपको जाना है। लगभग यहाँ से साहूपुरी 3 किलोमीटर दूर है, ये सीधी रोड जा रही है। हेलो हेलो बाबा जी, राम राम। बोलिए। मैं, हमारे घर में जरा दिक्कत सी हो रही है, वही परेशानी सब बहुत हो रही है। कहाँ से बोल रही है? मैं नजफगढ़ से बोल रही हूँ। मैं नजफगढ़ से, आपको जहाँ का एड्रेस है वहाँ आना पड़ेगा, फोन पे बात करने से आपकी परेशानी नहीं दूर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, यही आने से होगी? क्या बेकूफी वाली बात करती हूँ, यही बात अभी हमने बोला है ना, जब यहाँ होगी तभी ये परेशानी आपकी दूर होगी। और ये मतलब हमने यूट्यूब में देखा था, वो क्या कहते हैं, फोन से भी हो रहा था। कौन बोला है फोन से हो रहा है, गधा है वो, फोन से क्या होता है? हाँ। कौन बोला है आपसे फोन से होता है? यूट्यूब में देखा था, नेट में। फोन से होता है? आप फोन से बात करके हो रहा है करके? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, फोन से बात करने से कुछ नहीं होता है, रखो फोन। ठीक है। हेलो हेलो, नमस्कार, बाबा जी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जी। नमस्कार, मेरा नाम राम है। हुँ? और मैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाता हूँ। मेरा अगला सब्जेक्ट है जो वो स्प्रिट के बारे में है, तो मैं आपका यूट्यूब पर देख रहा था कुछ वीडियोस, मैं जानना चाहता था क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे मिल सकूँ? क्यों, कोई भी मिल सकता है हमसे। अच्छा अच्छा, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं कुछ शूट कर सकूं? एकदम शूट कर सकते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं बाबा जी? कुछ पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं आप?
मैं पढ़ा लिखा हूँ तो नेट पे लिखा हुआ है पूरा एड्रेस, किस दिन बैठते हैं, सारी जानकारी लिखी हुई है उसपे। अच्छा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ और यूट्यूब पर नहीं लिखा है। हर वीडियो के आखिरी में आएगा, आप देखिए वीडियो कोई भी खत्म होगा उसके बाद आएगा। अच्छा, आखिरी में आएगा। हाँ। ठीक है, मैंने पूरा देखा नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं क्योंकि फ्रेंच मीडिया के लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ पहले। तो ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, आपका एड्रेस देखता हूँ और फिर मैं आपसे मिलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अगर मैं शूट करता हूँ तो कुछ फिल्म? अरे भैया, हमने कहा ना कि कोई भी पूरी दुनिया का मीडिया आके शूट करे और दिखाए सच्चाई यहाँ की, हमारे यहाँ की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाए, पूरी दुनिया का भला हो, हम ये चाहते हैं। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच बाबा जी। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।